आई एम साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। दरअसल आपको बता दें कि बॉलीवुड के एक्टर ईशान खट्टर की फिल्म पीपा का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। इस फिल्म में ईशान ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता के किरदार में नजर आएंगे। इस पोस्टर की टैगलाइन है 1971 अ नेशन कम्स ऑफ एज। इस फिल्म में 1971 के गौरवशाली इतिहास को दर्शाया जाएगा। फिल्म की शूटिंग बुधवार से अमृतसर में शुरू हो गई है। इस दौरान खुद ब्रिगेडियर मेहता भी मौजूद थे और उन्होंने पहला क्लैप देकर फिल्म का शुभ आरंभ किया। इस फिल्म का पोस्टर ईशान खट्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। दरअसल ईशान खट्टर ने इस पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा, ये बहुत स्पेशल होने वाली है, हमारी पीपा की शूटिंग शुरू। ये फिल्म 1971 की लड़ाई शुरू होने से पहले गरीबपुर में लड़ी गई 12 दिन के युद्ध पर आधारित है, जिसमें भारतीय सेना ने बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा था। इस युद्ध में PT-76 टैंक भारत की मजबूती बनकर उभरे थे। इन टैंकों को ही पीपा कहा जाता है। आपको बता दें कि ये फिल्म युद्ध के दिग्गज ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता की किताब द बर्निंग चाफिस पर आधारित है। इस फिल्म में ऑस्कर विजेता A.R. रहमान का म्यूजिक होगा। ब्रिगेडियर मेहता ने 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में पूर्वी ओर से मोर्चा संभाला था, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिए और दुनिया के मानचित्र पर बांग्लादेश का जन्म हुआ। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।